प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से विकट स्थितियां पैदा हो गई हैं। नदी नाले उफान पर हैं, वहीं निचले इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आगर मालवा के सोयत में करीब 5000 लोग पानी भर जाने के कारण घरों में फंसे हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बारिश के कहर से आगर मालवा के सोयत में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पिछले दिनों से लगातार जारी बारिश ने पूरी तरह जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पूरे इलाके में जल जमाव की स्थिति है। आलम यह है कि घरों की पहली मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। 5000 की आबादी वाले इस नगर के लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन और पुलिस SDRF की टीम के साथ बचाव कार्य में जुटी है। कौन कौन थे तीनों लोग? एक मिनट भैया। वहीं एकाएक बाढ़ जैसे हालातों में कुछ युवक नदी का जलस्तर बढ़ जाने से टापू में फंस गए, जहां वे पूरी रात फंसे रहे। डायल 100 पर कॉल करने पर प्रशासनिक अमला उन्हें बचाने पहुंचा। दीवानखेड़ी से आ रहे थे हम। दीवानखेड़ी से आ रहे थे तो उधर नदी का पुलिया पार करके इस नाले के पुलिया पे आए। जैसे पुलिया पे आए तो पानी आ गया, तो हम रुक गए और एकदम पीछे जाने लगे तो नदी के पुलिया पे पानी आ गया पूरा। तो हम बीच में फंस गए कल रात के 8 बजे। कितनी बजे की घटना थी? शाम को 8 बजे से। कितने लोग थे आप? कौन कौन लोग थे? 3 भाई थे। कहाँ जा रहे थे आप लोग? ये सोच जा रहे थे। डायल पे लगाया सर, कलेक्टर सर के फोन लगाया, CO सर को फोन लगाया, व्यवस्था कर दी। अच्छा, सोयत कला के हालात बेकाबू बने हुए हैं। पुलिस और प्रशासन दोनों मुस्तैद है। मीडिया से चर्चा में कलेक्टर ने बताया कि फिलहाल एक बोट के सहारे बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जल्द ही NDRF की टीम 7 बोट लेकर नगर में पहुंच रही है। पिछले 12 घंटों से मूसलाधार बारिश हुई है आगर जिले में, और उसका सबसे ज्यादा प्रभाव ये सोयत बस्ती जहाँ पे आप खड़े हैं, आप देख रहे हैं वाटर लॉगिंग हुआ है शहर में। ये सोयत लगभग 15,000 पॉपुलेशन का ये बस्ती है। यहाँ पे तकरीबन 3,000 से 4,000 का जो पॉपुलेशन है वो पानी से गिर गया है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे पानी का लेवल बढ़ा है और तकरीबन एक मंजिल तक डूब में आ गया है। लोग अपने घरों के पहली मंजिल के ऊपर या दूसरी मंजिल पे हैं। अभी हमने इसमें रेस्क्यू सुबह से स्टार्ट किया है और हमारे SDRF की टीम जो है वो इसमें रेस्क्यू कर रहा है। 2 बोट हमारा चल रहा है जो लोगों को अंदर से निकालने का काम कर रहा है। प्रायोरिटी में ऐसे लोगों को निकाल रहे हैं जो बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे उनका अभी प्रॉपर रहने का जगह नहीं है। छत के ऊपर खुले में है, या पेड़ों पर है, मंदिर के ऊपर है, या किसी भी प्रकार से घायल हैं, ऐसे लोगों को निकाला है। अभी तक तकरीबन 600 लोगों को निकाल चुके हैं और अभी NDRF की टीम रतलाम से मूव हुआ है। उसमें 7 बोट आ रहे हैं और उसके एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, तो ये रेस्क्यू थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक इसको सेटल कर लेंगे। जिनको निकालना आवश्यक होगा वो सबको निकाल लेंगे। निकालने के बाद रिहैबिलिटेशन सेंटर हमने हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाया है, वहाँ पर खाने की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, वो सब व्यवस्थाएँ की हुई है। वहीं राहत कार्य में लगी महिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि बचाव कार्य में पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हमारे थाने में भी पानी भरा है। नगर में जल्द ही जो बाढ़ पीड़ित हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। एक्चुअली रात में 9 बजे ही खबर आ गई थी कि सोयत में पानी चढ़ रहा है। हमारा थाना भी डूबा है, थाने में भी 4-5 फीट पानी है। हमने पूरा वायरलेस वगैरह सब सिस्टम ऊपर शिफ्ट किया हुआ है, कंप्यूटर वगैरह, और रास्ते जितने भी बंद हैं, तो ट्रैफिक भी रोका गया है। सुसनेर में ही ट्रैफिक रोक दिया गया, सब जगह स्टॉपर्स डलवाए गए हैं।
यहाँ भी एक एलेक्सा के माध्यम से हम लोग ने उसको मोबाइल पर ले करके और सबको अनाउंस करा रहे हैं कि आप घबराएं नहीं, प्रशासन आपके साथ में है। और सबसे बड़ी बात है कि रास्ते ही बिजली कनेक्शन बंद कर दिया गया जिससे क्योंकि पानी से करंट फैलने की संभावना थी। तो ऐसी सारी सुविधाएं जो हमारे तहसीलदार, थाना प्रभारी और भी जितने ऑफिसर्स हैं यहाँ पर सभी लोग लगे हुए थे, नगरपालिका के अधिकारी, एमपीपी के अधिकारी, सारे लोग मुस्तैद थे। रास्ते ही इन्होंने अनाउंसमेंट भी करना शुरू कर दिया था कि आप अगर खाली कर दें और जगह आपको यहाँ पर रुकने की व्यवस्था बनाई गई है, आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। तो कुछ लोग आए और कुछ लोग वहीं रुके रहे कि हमारा दूसरा मंजिल है, तीसरा मंजिल है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, सब सुविधा है उनके लिए, सुरक्षा व्यवस्था पूरी मुस्तैद है। कुल मिलाकर आगर मालवा जिले के सोयत गांव में बारिश के कहर ने बाढ़ जैसे हालात कर दिए हैं। पूरा नगर जलमग्न है। इन भीषण हालातों में शासन, प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी मुस्तैदी से तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, आगर मालवा।